जय माता दी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदायी बनाने में ज्योतिष शास्त्र का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की दैनिक दिनचर्या को सफल बनाने के लिए हमारे दैनिक राशिफल के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मकर राशि वालों का 28 और 29 जनवरी 2021 दिन गुरुवार और शुक्रवार का दैनिक राशिफल कैसे रहेंगे आपके ये आने वाले गुरुवार और शुक्रवार के दोनों दिन। चलिए जानते हैं। आपको खुद पर बहुत यकीन है, लेकिन अति आत्मविश्वास और अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें। दूसरों पर अपनी राय थोपने की आदत से आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। केवल सही होना ही काफी नहीं है, आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि आप दूसरों को नाराज न करें। थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे तो काफी लंबित कामों को आज पूरा कर पाएंगे। यह समय को जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किसी एथलीट कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चिंत होकर शामिल हो जाएं। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनुभूति होगी। एक्सरसाइज से आपको खुद की भावनाओं को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और इससे आप अपने जीवन में किसी संबंध या करियर के बारे में स्पष्ट सोचकर महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। आप थोड़े समय चलने वाले अस्थाई किस्म के संबंधों से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अब आप में भी सच्चा प्यार पाने की इच्छा जाग उठी है। आपको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, यह आपके सच्चा रिश्ता बनाने के रास्ते में बाधा का काम करता है। अपने मूड के बदलावों पर नियंत्रण रखें और बहुत जल्द आपको किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का साथ मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपका ध्यान भटक सकता है, जो कि आपकी उत्पादकता को कम कर सकता है। कार्यालय में प्रेम प्रसंग की एक संभावना आपको अपने कार्य से दूर ले जा सकती है। हालांकि आपको वापस अपनी एकाग्रता लाने की जरूरत है। ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से बचें जो आपके सहयोगियों को परेशान या आक्रामक बनाए। आप ध्यान एक साधारण मोह से भी भंग हो सकता है। आप इस चीज पर ध्यान दे कि जो चीज होनी थी वे होती है और अपना ध्यान कार्य पर केंद्रित करें। आप आसानी से पिछली परेशानियों और चुनौतियों से बाहर आ जाएंगे। आप दुनिया के साथ आशावादी ढंग से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे दूसरे लोग आपको कार्यकारी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। इसलिए यह तरीका दोनों तरह से काम करता है। आप दूसरों पर अपनी गहरी छाप छोड़ने के उत्सुक हैं। आप में से कुछ लोग असफलताओं से परास्त और परेशान महसूस कर सकते हैं। मुसीबत आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने में सहायक है, इसलिए उनका सामना साहस से करें। निजी बोझ से गुजरना आपको केवल उन्हीं चीजों को पास रखने के लिए प्रेरित करता है, जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते के लिए अच्छा समय है। समय आप दोनों के बीच तनाव, विवाद और तालमेल की कमी लेकर आएगा। आपको दिन के विषम घंटों में भी काम करना पड़ सकता है। आप कार्यस्थल पर मुसीबतों का सामना करेंगे। हालांकि ये समस्याएं आपकी छुपी प्रतिभाओं को बाहर लाने में आपकी मदद करेंगी। अधिक सोचने या तनाव के कारण स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों में सफलता देने वाला है। कुछ लोगों को अपने काम के परिणाम में भरपूर धन और ख्याति मिलने के भी योग हैं। कुछ लोगों को अपने किसी खास मित्र के जरिए नए जॉब या बिजनेस का ऑफर मिल सकता है। ये आपके लिए काफी लाभप्रद हो सकता है। आपको वजन के काम करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। संगीतकार और गायक रचनात्मक होंगे, उन्हें मान्यता और पैसा मिलेगा। आपका साथ ही आपका समर्थन करेगा, वे आपको बेहतर रोजगार खोजने में मदद करेंगे। आपको कमर दर्द हो सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। आज का दिन आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन लाने वाला साबित हो सकता है। अगर आपके साथ कोई समस्या भरा दौर चलता आ रहा था तो आज वह समाप्त हो सकता है। चली आ रही बेचैनी समाप्त हो सकती है। अगर आप किसी बड़े और मेहनत भरे काम में लगे हुए थे तो आज वह समाप्त हो सकता है, लेकिन हर स्थिति में अब आप भारी खालीपन भी महसूस करेंगे। आज आपको अपने जीवन के साधारण को व्यवस्थित करने के बारे में ध्यान देना चाहिए। आप भविष्य के बारे में योजना बेशक बनाएं, लेकिन ज्यादा तनाव न लें। अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट न करें। किसी की निंदा आलोचना में न पड़ें। किसी पर अविश्वास करने की भी आपके सामने आज कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सामने किसी तरह की कोई परेशानी या निराशा की स्थिति नहीं बनेगी। जीवन के लगभग हर पहलू को लेकर आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। आज आपको किसी की मदद करने का या किसी को दिलासा देने का अवसर मिलेगा। आज आपका प्रेमी या जीवन साथी आपकी वाणी से ही मुग्ध रहेगा।
आज आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आप इस अवसर का लाभ अपनी गलतफहमियां दूर करने में उठा सकते हैं। साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपकी पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत का नकद लाभ मिलेगा। नौकरी में आज आप अच्छी प्रगति करेंगे होगी। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शरीर में थोड़ी सुस्ती रहेगी और अगर आप थोड़ा विश्राम कर लेते हैं दिन भर ताजगी और प्रसन्नता बनी रहेगी। आज विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप खूब मेहनत करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। आज आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में बहुत सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। आपको नुकसान पहुंचाने का कारण बने व्यक्ति पर दया दिखाना या उसे माफ करना आपके लिए आज मुश्किल होगा। ऐसा करने हेतु अत्यधिक समझ की आवश्यकता होती है, परंतु हर व्यक्ति के बारे में सहानुभूति रखने की आपकी क्षमता आपको ऐसे व्यक्ति को माफ करने में सहायता करेगी। कामकाजी महिलाओं को घर और कार्यालय दोनों जगह पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह उनके लिए एक कठिन दिन होगा। आप किसी ज्ञानी डॉक्टर या उसी प्रकार के समान ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे जो आपको अपने भ्रामक दुनिया से बाहर आने में मदद करेंगे। यह आपको असली दुनिया से दूर ले जा रहा था। आज आप अपने आप को तरोताजा करने वाले और नई स्फूर्ति प्रदान करने वाली किसी घटना का इंतजार कर सकते हैं। यह या तो अच्छी खबर हो सकती है या फिर को खुश करने वाले होंगे। अपने मिजाज को अच्छा ही रहने दें। गृह एवं संतान संबंधी शुभ समाचार आपको मिलेंगे। आज कोई खुशी का पल परिवार में उपस्थित हो सकता है। अचानक यात्रा का योग कार्यक्रम को गड़बड़ा सकता है। सेहत का ध्यान रखें। मानसिक रूप से बेचैनी हो सकती है। अपने काम से काम रखें, दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे तो खुद ही परेशान होंगे। चंद्रमा का राशि के बारहवें घर में संचार करना सुस्ती और थकान की अनुभूति करवाएगा। पारिवारिक जीवन में मतभेद हो सकता है। थोड़े प्रयास से ही कार्य सिद्धि होगी। कार्यप्रणाली की प्रशंसा होगी। निवेश लाभदायक रहेगा। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी। वरिष्ठ अजनों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। दूसरों के काम में दखल न दें, बात बिगड़ सकती है। आज जोखिम लेने से बचें। मौसम को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुराने व बचपन के मित्रों से भेंट के कारण मन में आनंद छाया रहेगा। नए मित्र भी बनने की संभावना है। आज के दिन छोटी छोटी बातों को लेकर मूड ऑफ करने में अपना ही नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर धैर्य में भी कमी रहेगी, इसलिए अलर्ट रहना होगा। ऑफिस का काम यदि कई दिनों से पेंडिंग चल रहा है तो उसे आज ही समाप्त कर लें। अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करते हैं उनको लाभ मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बाहर की तली भुनी चीजों को खाने से परहेज करें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें। यदि पिता आपके साथ नहीं रहते हैं तो समय समय पर आप उनसे संपर्क करते रहें। आज कोई ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें। नौकरी में उच्चाधिकारियों की कृपा दृष्टि से आपके लिए पदोन्नति भी संभव है। राजनीतिज्ञ सफलता की प्राप्ति करेंगे। नई शुरुआत की तीव्रता सभी व्यवसायियों के लिए आगे बढ़ने का मौका प्रदान करेगी। किसी बात को लेकर तनाव न लें, किसी का विरोध न करें। सेहत के मामले में आप खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करें। अपनी सेहत सुधारें, क्योंकि कमजोर शरीर दिमाग को भी कमजोर बना देता है। किसी बड़े समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं, वे क्षणिक हैं और समय के साथ वे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण कामों को कर सकते हैं तो आपकी सोच काफी गलत है। उन लोगों पर नजर रखें जो आपको गलत राह पर ले जा सकते हैं या फिर ऐसी जानकारी दे सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा है। घर पर आज लड़ाई झगड़े से दूर रहें तो अच्छा होगा। आपके घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो घर की शांति भंग हो सकती है। आज आप काम के बोझ से घिरे रहेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के लिए एकाग्रचित होकर काम करना बहुत जरूरी है। इस समय तनाव को दूर ही रखें। हालांकि सफलता बहुत ही धीरे मिल रही है, लेकिन फिर भी चिंता ना करें। आर्थिक मोर्चे पर आप किसी के कहे में ना पड़े, अपने दिल की सुने। अब तक आपके अपने किए फैसले अच्छे ही रहे हैं, तो फिर खुद पर संदेह कैसा।
अपने फैसले पर अड़े रहें, आपका फैसला सही साबित होगा। आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आज आप कुछ ऐसे कामों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। आज आप घर में ताज़ा फूल की तरह अपने स्वभाव में ताजगी बनाए रखें। ऑफिस में अपने काम का श्रेय किसी और को न लेने दें। हो सकता है बॉस आपको किसी जरूरी काम से विदेश यात्रा पर भेज सकते हैं। आज तुलसी के पौधे में दिया जलाएं, घर से कलेशा दूर होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना मकर राशि वालों का 28 और 29 जनवरी 2021 दिन गुरुवार और शुक्रवार का दैनिक राशिफल। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।